जब नौजवानों ने गौर से मेरी बात सुने, जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूं। एक एक जो जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से मांगे मैंने दिए। मैं तो कहीं नहीं भागा, मैंने तो डेटे नहीं ली, मैंने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को आज जल्दी केस सुनो। तो शहबाज शरीफ क्यों भाग रहे हो? आजाद अदालतें हैं, वो बेटे क्यों क्यों बाहर भगवाया हुआ है? वो भगौड़े मियां के दो बेटे क्यों बाहर भागे हुए हैं? और मरियम बीबी, आप भी ये सिर्फ बता दें कि 80 करोड़ रुपया आपका चौधरी शुगर मिल में आपके पास जिस आदमी से, वो दुबई के आदमी से कहा भेजा, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। इसका मतलब कि वो भी डरी हुई हैं केस से, वो भी डरा रही हैं जजेस को। तो अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है। और इस माफिया का मेरी कौम ने मुकाबला करना है। आपने मेरे साथ मिलना है, मेरे पे छोड़े। मैंने इनका आपको बता दिया, जब तक जिंदा हूं इन चोरों का मैं मुकाबला करूंगा। अच्छा जी, अब ये जल्दी क्या है?